लोगों के बीच आई हैं, तो आपने इनकी क्या समस्या सुनी और क्या इसका समाधान हुआ? देखिए, समस्याओं का सुधार ये है कि एक तो इनके यहाँ गली में गंदगी बहुत है, ज्यादा दिख बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। गली के टाइम पे इतनी गंदगी है, इनके टाइम पे इतनी गंदगी हो रही है और शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं ये लोग। शिक्षा की बहुत जरूरत है यहाँ पर। और मैं चाहूंगी, मैं अपील करूंगी अपने विधायक संजीव राजा जी से कि यहाँ पर वो समस्याएं देखें और सुने। प्रकाश जी के पास भी जाऊंगी मैं और विधायक जी के पास भी जाऊंगी, जिससे कि यहाँ जो बच्चों की शिक्षा पे जो सरकारी स्कूल यहाँ मुहैया कराया जाए एक अच्छा सा, और कोशिश रहेगी मेरी पूरी इनका पूरा समर्थन करने की। शिक्षा का सुधार हो गया ना तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। शिक्षा बहुत जरूरी हो गया ये आप लोग थोड़ा सा हमारा काम आज मोटिवेट करने का था सभी लोगों को। शिक्षा का सभी लोगों को लड़कों को भी लड़कियों को क्षेत्र में किस तरह का प्रॉब्लम रखा गया? हिंदू मुस्लिम है, मैं नीरज भारद्वाज हूँ। अजन फाउंडेशन सामाजिक संस्था है जो निश्चित रजिस्टर्ड है, संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य क्षेत्र है उसका। उसके अंतर्गत आज अलीगढ़ में ये जो मक्षवा तकिया है, गोविंद नगर है, यहाँ प्रोग्राम रखा गया। बेटियों के क्या अधिकार होते हैं कानूनी, बहन बेटियों के, बच्चों के अधिकार होते हैं, सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है और सरकार से आप किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करना है, तो वो सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे साथ हैं गौरी पाठक जी हैं, बहुत अच्छी समाजसेवी हैं, प्रीति वाष्णे जी हैं, एडवोकेट हैं, इसके अलावा अल्पना शर्मा जी हैं, वो अच्छी हाई एजुकेटेड महिला हैं, और बाकी जहीर भाई हैं, और हमारे यार दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम रखा गया। तो सर, आप इस मुस्लिम क्षेत्र में आज मौजूद हैं, तो क्या ईद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिनका ईद एक त्यौहार है, उन सभी को इसकी बहुत शुभकामनाएं।